खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से शेख नदीम शराज की। डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहद हसन कल्याणी ने कहा है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल या जमाना जंग में महकमा शहरी दफा के रजाकार इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए मौसर इकदाम उठाते हैं, इसलिए हर फर्द को चाहिए कि वह शहरी दफा की तरबियत हासिल करे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने सिविल डिफेंस ओकाड़ा के दफातर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करते हुए किया। इनके हमराह चीफ वार्डन कैप्टन डॉक्टर जफर इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस साहिवाल फैसलाबाद रीजन असगर अली, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेटर सैयद सिकंदर अली, सिविल डिफेंस ऑफिसर चौधरी वकार अकबर, जवेद अख्तर और दिगर स्टाफ अफसरान भी मौजूद थे। डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब ने कहा कि महकमा सिविल डिफेंस ज़िला ओकाड़ा को बार्डर एरिया के हवाले से दूसरे अजला की नस्बत अपने कम वसाइल में रहकर जिम्मेदारियाँ अदा करना पड़ती हैं, जिसके लिए मैं तमाम स्टाफ और अफसरान की कारकर्दगी पर मुतमिन हूँ। इन्होंने सिविल डिफेंस दफ्तर के लॉन में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के हवाला से पौधा भी लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाहिद हसन कल्याणी मेरा नाम है, डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब। आज मैं ओकाड़ा ज़िले के सिविल डिफेंस के दफातर के विज़िट पे यहाँ आया हूँ और मुझे यहाँ की टीम का काम देख के महदूद वसाइल के बावजूद वो अपना काम एक पुर असर तरीके से और एफिशिएंटली कर रहे हैं, मुझे इस बारे में दिली खुशी हुई है। दूसरी बात ये है कि ये हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सिविल डिफेंस की अहमियत दूसरे ज़िलों से कुछ बढ़ के है, बल्कि काफ़ी बढ़ के है। तो इनके कुछ मसाइल हैं रिसोर्सेज के हवाले से, वसाइल के हवाले से, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको मसाइल मुहैया करें ताकि अपना पूरा काम दिलजमी से कर सकें। और मैं यहाँ ओकाड़ा के स्टाफ ऑफिसर्स के काम से खुश भी हूँ, मुतमईन हूँ।